अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामाइन, हमारे चैनल योग हॉरोस्कोप इल्मुल अदाद को सब्सक्राइब करें और देखिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं। बुर्ज हमल, इस दिन आप बहुत मोहतात रहें, किसी भी झगड़े में ना पड़ें, वरना खुदा न खास्ता बात बहुत बढ़ सकती है। जहनी बेचैनी से बचाव के लिए दुरूद पाक का सहारा लें। खाना खिलाना भी अच्छा अमल होगा। इस बात का ख्याल रखें कि आपके बहुत काम मुआहदात में अल्तवा आ सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के काम जिम्मेदारी से करते जाएं, नमाज ज़रूर पढ़ें। बुर्ज सौर, अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, हर काम को एहतियात से करें। आज के असरात कुछ दिन तक रहेंगे। अखराजात में कमी लाएं और किसी के धोखा में ना आएं। वालदैन की सेहत का भी ख्याल रखें, मगर आपके साथ कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं जिससे कुछ कामयाबी मिल सकती है। बुर्ज जौज़ा, सेहत का चेकअप कराना ज़रूरी होगा। माली मामलात में भी इल्तवा का ख़दशा है। सामाजिक सरगर्मियां महदूद करें। कानूनी काम भी फ़ायदा देते हुए नहीं लग रहे। अपने बारे में कोई अहम फैसला ना करें। जो भी काम करना है एक दो दिन रुक जाएं। रोज़मर्रा के काम बेहतर करने की कोशिश करें। बुर्ज सरतान, किसी भी काम को करने से पहले मालूमात लें। दोस्तों के बारे में अहम फैसले ना करें। सदीके दिल से अल्लाह के हजूर अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करें। कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल फवायद नहीं दे सकते, आज उनको भी ना करें। गैर मुल्क करेंसी या किसी भी अनामी स्कीम से आज दूर रहें। बुर्ज असद, अहम कारोबारी फैसले या मुआहदात पर आज अमल करना बेहतर ना होगा। घर में अखराजात कंट्रोल करें, जबकि वालदैन की सेहत के हवाले से भी शिफा याबी के लिए अहम इकदाम उठाना होंगे। कुछ नहस असरात दिन की पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं। अपने माली मामलात पर गौर करना ज़रूरी है। बरक सोचना, हिकमत अमली से काम करना फ़ायदा दे सकता है। बुर्ज सुमला, आज बगैर सोचे समझे किसी भी काम पर रुपया ना लगाएं। दोस्तों से भी कोई अच्छा मशवरा ना मिलेगा। शरारती कारोबार में भी हिसाब वगैरह चेक करना ज़रूरी है। अहम मामलात पर गुफ्तगुशनीद से बेहतरी लाने की कोशिश करें। रोज़मर्रा के कामों में अखराजात में कमी लाना होगी। बुर्ज मीज़ान, अपने शराकत दारी के कामों में तवज्जा मरकूज करना बेहतर होगी। घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, मगर हर काम में आपको बड़े मोहतात रहते हुए चलना होगा। रोज़मर्रा के काम और दीगर कारोबारी सरगर्मियाँ भी खराबी की तरफ जा सकती हैं। बड़ी हिकमत अमली और अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। मार्केट से रुपये पैसे की वसूली भी आपको टेंशन का शिकार कर सकती है। बुर्ज अकरब, कोई भी ज़मीन जायदाद गाड़ी मशीनरी की खरीदो फरोख्त करते वक्त उसके कागजात ज़रूर चेक करें। धोखा का अंसर मौजूद है। किसी भी किस्म के लेन देन में इल्तवा आ सकता है। अपनी सलाहियतों को बुरोई कार ला कर काम करें। बुर्ज कोस, ऐसे लोग जो अपने आप को आपका हमदर्द कहते हैं, उन दिनों में उनकी बात पर गौर करना है, फिर अमल करना है। बगैर सोचे किसी काम में रुपया लगाना बेहतर ना होगा। जब तक पूरी तरह मालूमात ना हो जाए, मोहतात रहकर काम करना बेहतर होगा। तमाम अहम कामों की खुद निगरानी करें, जल्दबाजी नुकसान देगी। बुर्ज जद्दी, ज़मीन जायदाद के काम, काश्तकारी, ठेकेदारी, दीगर शोबा जात में जो भी काम शुरू कर रखे हैं उनका हिसाब चेक करना ज़रूरी होगा। ज़राई सिकनी जायदाद की खरीद फरोख्त में जायज़ा लेकर काम करें, धोखा का आंसर मौजूद है। बुर्ज दल्व, उधार दिया गया पैसा वापस लाना मसाइल पैदा करेगा। मार्केट से वसूली में भी शायद पूरी रकम ना मिले। किसी भी काम में हिसाब चेक करके फिर आगे बढ़ें। लोग अपने कारोबार के लिए आपको शराकत दारी पर आमादा करेंगे। आपने हिकमत अमली से काम करना है। बुर्ज हूद, किसी भी सफ़र पर जाते हुए सदका दें और सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। गैर ज़रूरी सफ़र तर्क कर दें। कारोबार में कुछ लोग होशियारी दिखाएंगे। आपने हर काम का जायज़ा लेना है फिर काम करना है। जायदाद के काम मशवरा से करें, बचत की तरफ रागब हों। बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।